फैमिली वेलकम बैक टू सेफ लव बाय सभी जा फ्री कैसे हैं आप सब लोग आए होता ठीक ठाक होंगे मैं भी हाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज है आखिरी दिन या आज रात को 8 बजे मैं निकल जाऊँगी कल रांची से एक हफ्ता कहाँ गुजरा बिल्कुल पता भी नहीं चला तो फिर हमारी पैकिंग मेरी सारी डन हो चुकी है और अब रात को 8 बजे निकलूँगी तो दिन है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कराची की मशहूर हलीम और बिरयानी मंगवाई है और दरबार की वो मैं आप लोग दिखाती हूँ बहुत ही मज़े की होती है और फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर हम लोग निकल जाएंगे और पैकिंग खाना वाना खा के हम लोग निकल जाएंगे 8 बजे और ग्रीन लाइन का भी मैं आप लोगों से सबका एक्सपीरियंस करवाऊँगी कि अब ग्रीन लाइन की बस कैसी है सो स्टे ट्यून्ड में अभी आपको दिखाती हूँ मैं हलीम दरबार हलीम एक दिखाइएगा मुझे दरबार रोटी मंगवाई है आपने बिरयानी अभी नहीं खाएंगे आप नाइस ने मंगवाए हैं मैकडॉनल्ड्स ये है ग्रीन ट्रेन हम आ गए हैं ग्रीन ट्रेन पे बाहर से तो अच्छी लग रही है हमारी बोगी 10 नंबर और अब अंदर जाके देख बताऊंगी कि कैसा है और साफ सुथरी लग रही है बाहर से साफ सुथरी लग रही है तो अंदर से भी होगी साफ सुथरी पक्का होगी भाई पक्का होगा वो 10 बजे की ट्रेन है हम लोग यहाँ पे 9:30 पे मौजूद हैं अब मैं अंदर निकल रहे हैं तुम अभी से ऊपर जा रहे हो बस अच्छी है वैसी ही बस है जैसे बाकी सब बस है ट्रेन अच्छी है वैसी ही ट्रेन है जैसे बाकी पुरानी ट्रेन ये भी वैसी है बट एट दी एंड क्या होता है हमारे बच्चे ट्रेन में आते हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड ट्रेन में मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है हमारे बच्चे ये हमारे बच्चों की फेवरेट जगह यहाँ पर है और एक सूटकेस वहाँ आ गया बाकी सूटकेस यहाँ आ गए काटिन भी आ गए और बाकी मजे की बात सॉकेट्स हम लोग ढूंढ रहे थे तो ये सब हम यूनिवर्सिटी है तो अब हो गई थी ज़बरदस्त सी मॉर्निंग ट्रेन के अंदर और वाहिद मैं ही थी जो सबसे पहले उठी थी और साथ साथ फैसल भी उठ गया था क्योंकि हम दोनों वो वाहिद थे जो हम लोग जल्दी सो गए थे रात में और रात का मुझे पता भी नहीं चला कि कब सिंध क्रॉस हो गया क्योंकि रात के वक्त पूरी ट्रेन सिंध से क्रॉस हो गई थी और जब सुबह हुई तो पंजाब में हम एंटर हो गए थे और फिर मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊं जो इस बस में हमें मैं बार बार बस कह रही हूँ आई डोंट नो क्यों कि जो हमें इस ट्रेन के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ मिली वो हमें सारी सैनिटरी यानी वॉशरूम सैनिटरीज मिली और उसमें नैपकिन्स थे और जिस तरह के ये मैं आपको दिखा रही हूँ सैनिटरी बैग है यानी आप उससे सारी जो सैनिटरीज हैं वह उसके अंदर आप रख सकते हैं और शू मिंट है शू और प्लस टूथपेस्ट और टूथब्रशेज हैं और प्लस कोम है एंड आपका जो शेव करता है जिसको शेव की ज़रूरत है वो शेविंग क्रीम और शेवर है तो ये तो आपकी सारी सैनिटरी मिली जो कि मुझे अच्छी मिली और ख़ासतौर पे इनकी पैकिंग मुझे अच्छी मिली यानी पैकिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया है इस ट्रेन ने काफ़ी अच्छी और तरीके की सैनिटरी लग रही थी वरना तो अमूमन हर ट्रेन में जो है वो सिंपल बैग्स में सैनिटरी आ जाती थी या सिंपली जो पॉलिथिन
टिफ़िन की जो एक बैग होता था उसके अंदर आ जाता था, लेकिन इन लोगों की पैकिंग मुझे इस दफ़ा काफ़ी अच्छी लगी, और ये जो पेपर बैग है। और फिर उसके बाद आया नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में इस किस्म की डिस्पोजेबल बैग में उन्होंने ऑमलेट रखे हुए थे, हाफ हाफ ऑमलेट रखे हुए थे, और इस तरीके से टोस्ट रखे हुए थे। अच्छा, टोस्ट भी सिर्फ दो थे। अच्छा, नाश्ता मुझे थोड़ा सा कम लिए लगा। अच्छा, इसी कम इस लिहाज से लगा क्योंकि इन्होंने क्वांटिटी कम रखी थी। अच्छा, एक तरीके के लिहाज से क्वांटिटी सही भी थी क्योंकि इतना ज़्यादा नाश्ता कोई नहीं खाता ट्रेन में। और अच्छा, इस ऑमलेट के साथ जो था वो एक जैम था और एक साथ साथ मक्खन की स्लाइस भी था। मक्खन का स्लाइस मैं अभी आपको आगे जाके बताती हूँ, यानी मक्खन का पाउच कह लें या मक्खन का पैकेट कह लें, इस तरह का ये जैम का एक पैकेट था या बॉक्स छोटा सा था, और एक आपका नमक था, नमक का साशे था, और आपके टोस्ट जो है वो तो पड़े हुए थे, और इस तरीके से मक्खन के थे जो मैंने आपको दिखाए। तो ये तो नाश्ता था, और ऑब्वियसली सब ने नाश्ता भी कर लिया था और फिर सब उठ भी गए थे, और अब हम लाहौर से काफ़ी करीब आ गए थे। तो फिर सुबह 10 बजे इन लोगों ने नाश्ता दिया, या 9 बजे इन लोगों ने नाश्ता दिया, और फिर उसके बाद इन लोगों ने खाना सर्व किया। अच्छा, नाश्ते से ज़्यादा अच्छा मुझे खाने की पैकिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं पहले भी मैंने सफ़र किया है ट्रेन में तो इस किस्म की पैकिंग नहीं होती थी, तो लिटरली मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इस तरह उन्होंने सेक्शन भी दी और क्वांटिटी भी बिल्कुल सही थी, इतनी ही क्वांटिटी खाई जाती है। हमारे बच्चों ने इतना भी नहीं खाया लेकिन इतनी ही क्वांटिटी एक ट्रेन में खाई जाती है। एक में दाल थी, एक में सालन था चिकन का, एक में बिरयानी थी और एक में नान थी, तो लिटरली बहुत ही मज़े की थी। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अब आने वाला है आगे रमज़ान, और इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह रमज़ान की बहुत अच्छे से ब्लॉग्स आने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।